यूजीसी कॉलेज एग्जाम भारत की 560 यूनिवर्सिटी ने परीक्षा कार्यक्रम बनाया। हाय एवरीवन, माय सेल्फ कविता एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कविता इज हियर। जैसा कि हेडिंग से आपको कंफर्म हो गया होगा कि मेरा रिसेंट टॉपिक क्या है। बिफोर स्टार्टिंग माई हम्बल रिक्वेस्ट दैट कि प्लीज इस वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 366 यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं का आयोजन अगस्त या सितंबर महीने में। यूजीसी ने दावा किया है कि उन 560 विश्वविद्यालयों में से जिन्होंने परीक्षा के संचालन के संबंध में अपने निर्णय की घोषणा की है, उनमें से 366 विश्वविद्यालय अगस्त या सितंबर में परीक्षा आयोजित करेंगे और बाकी ने पहले ही परीक्षा आयोजित कर दी थी। नेक्स्ट, भारत की 945 में से 560 यूनिवर्सिटी यूजीसी के साथ। आधिकारिक बयान में यूजीसी ने कहा 945 विश्वविद्यालयों में से 755 विश्वविद्यालयों, जिसके अंतर्गत 120 डीम्ड विश्वविद्यालय, 274 निजी विश्वविद्यालय, 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 321 राज्य विश्वविद्यालयों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई थी। 755 विश्वविद्यालयों में से 560 विश्वविद्यालयों ने या तो परीक्षा आयोजित की है या परीक्षा आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। परीक्षाएं शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने विश्वविद्यालय में परीक्षा के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें कहा गया है कि देश भर के सभी विश्वविद्यालयों को इस साल टर्मिनल सेमेस्टर के छात्रों के लिए फाइनल परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। आयोग ने परीक्षाओं को शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बताया है। उन्होंने कहा कि जो छात्र विदेशी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश चाहते हैं, उनके लिए परीक्षा आवश्यक है। प्लीज ध्यान दें इस बात पर। एंड मोस्ट ट्रेंडिंग आर्टिकल इज दैट यूजीसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी है। यूजीसी के नए दिशा निर्देशों ने विश्वविद्यालयों को सितंबर 2020 तक ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने के लिए कहा है। इस फैसले को देश भर की राज्य सरकारों और छात्रों से बहुत आलोचना मिली है, जिन्होंने केंद्र सरकार को परेशानी बताते हुए पत्र भी लिखा है। इसके अलावा महाराष्ट्र की युवा सेना ने सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के इस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी है। सभी की दलील है कि आपातकाल की स्थिति में नियमों को शिथिल कर दिया जाना चाहिए। तो आपके इस वीडियो के साथ क्या विचार बनते हैं, आप इसके लिए क्या अपने विचार सजेस्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।